तो आई है वो। तो गुड मॉर्निंग गाइस, हो चुकी हम लोगों की सुबह। अभी जा रहा हूँ, राज पांडे आ रहा है, उसकी कार की सर्विस करवानी है, एसी खराब हो गया कुछ। चलो चलते हैं, देखते हैं कहाँ जा रहा है। नींद पूरी नहीं हुई है मेरी गाइस, मैं उठ के आ गया हूँ पांडे जी के साथ में। एसी, इनकी एसी खराब हो गई है पांडे की, तो इनकी एसी बनवाने जा रहे हैं गाड़ी की। तुम लोग कुछ और मत समझ लेना। अरे इधर मिलो सकरा, अरे बड़े दिनों बाद है, ये है सकरा मीठा। पांडे फॉर्म में आ गए हम भाई, एसी की सर्विसिंग करवाने आए हम लोग। ये देख लो बेचारी एसी खराब हो चुकी है। एसी क्या होती है, अरे यार इतना स्मूथ हैंडल हो गया है इसका, ये चेंज करवाने वाला है। इधर आओ, हम कह रहे इसका ये पूछो, इसका कवर है, पूछो इसका कवर है, बंद कर दे गाइस। तो एसी जो है चेक करवा रहे हैं, क्या दिक्कत है, इतनी तेज बहुत तेज धूप है, और साला एक तो इतनी टैनिंग हो जाती है चेहरे पे कि काला शकल और काला पिछवाड़ा पता ही नहीं चलता साला क्या है। संडे हाफ टिकट पहन के मैच खेला हूँ भाई, पूरा बॉर्डर बन गया है। ये सकरा ने बाल कटवा लिए, ये ओ, ये दाएं देखो स्माइली स्माइली भाई। ये देखो इसका नारा निकला है गाड़ी का, थोड़ा सा आलू सब्जी भिंडी सब बेच लो, सॉरी फ्रूट बेच रहा है भैया, भिंडी विंडी सब बेच लो, भिंडी भी लगा लिया करो। कॉलेज से प्लेसमेंट होगी नहीं है, क्लियर होना पड़ेगा भैया। ये देखो ये झाड़, ये इतना सा वो है, ठीक है। और ये देखो ये क्या बोलते हैं इसको, पांडे क्या था ये, क्या हुआ, क्या था, क्या है ये, कट है कट है। अबे इसका फालतू में 70 रुपए खर्चा किए हैं यार, पंचर वाला वो करवा, पंचर वाला वो चिपका के, पंचर वाला वो करवा। और क्या रबड़ ही तो है, ऐसे तो टायर भी होता है, ट्यूब ऐसे पड़ती है, ऐसी तो होती है यार, होता है साले, होती कि नहीं होती भाई। ये 3 घंटे लगे हैं, 4 घंटे ना, 4 घंटे 5 घंटे 5 घंटे लगे। यू गर्मा रहा, मूड खराब हो गया, मूड खराब होगा अलग। दुकान का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन कभी ऐसी जगह मत फंसो यार जहाँ काम ना करवा पाओ। टाइम लगा दी, काम अच्छा हुआ है नो डाउट, बट टाइम बहुत लगा 5 घंटे। यो काम बचा और यो होगा फिनिश, बस थोड़ा सा बचा, इसको लगा दे काम खत्म। इसको देखो बेगा रही आदमी साला, बेगैरत तो आई है वो। लग भी रहा है, दिख रहा तुम्हारा। तो अभी मैं घर आ चुका हूँ, गाड़ी बनने में कम से कम 1 घंटा लग गया भाई, 1 घंटा से वहां पे जब बन रही थी तब की बात बता रहा हूँ। वैसे उसने टाइम होल्ड करके रखा था हम लोगों को भाई कम से कम 6 घंटे। एक तो मैं गाड़ी में सो गया भाई, नींद पूरी हुई नहीं थी तो मैं सो गया गाड़ी में भाई। मैं 2 घंटे या 3 घंटे में सोता रहा, मैं उठा का पता है जब एक दीदी जी आई, और मतलब उठा तब जब उसने अभय ने आवाज़ दी भाई, साले ने इतनी तेज आवाज़ दी मेरे कान के पास आके, मैं क्या हो गया। चलो गाइस अब आज ये बात मैं बता रहा हूँ कि व्लॉग सब बनाते हैं इस दुनिया में, बट मैं इसलिए काम कर रहा हूँ व्लॉगिंग पे, मेरा कोई अभी ऐसा, मैंने अभी आज मैंने सोचा इस बारे में कि यार व्लॉगिंग तो हर कोई कर रहा है, मैं यूनिक क्या कर रहा हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं यूनिक क्या कर रहा हूँ या फिर क्या ना करूँ यार, मुझे जानना है, समझ में नहीं आ रहा अभी। मतलब कि जब वहाँ से आया हूँ तब से मैं यही सोच रहा था कि मैं व्लॉगिंग तो यार कर रहा हूँ, बट मेरी व्लॉगिंग में कुछ यूनिक तो है नहीं, सब तो एक ही जैसा करते हैं, पूरी दुनिया एक जैसा कर रही है, मैं क्या यूनिक कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही यार, कुछ बताओ, आइडिया वगैरह दो मुझे कि मेरे को क्या करना चाहिए अपने व्लॉग में, सिर्फ एक ही चीज़ पे
फोकस होके कैसे मैं क्या करूँ, मैं आप लोगों की राय लेना चाह रहा हूँ। जो जो लोग मेरे जेन्युइन व्यूअर्स हैं वो लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इसके बाद मुझे पता चल जाएगा कौन है मेरे जेन्युइन व्यूअर्स। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, जय श्री राम।